सब, तो मैं सुनीता और मैं कलित। तो आ गए हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में हम खाने वाले हैं वेज फ्राइड राइस, साथ में वेज मंचूरियन, ग्रेवी, और ये है पेपी पनीर पिज्जा, और साथ में स्प्रिंग रोल, और साथ में हम ये है सलाद में ये प्याज है, और ये चिली सॉस है, और यहाँ पे टमाटर केचप है। जब दिखाना है तो सब कुछ ही दिखा दो। तो ये जो पेपी पनीर पिज्जा है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है डोमिनोज वाले पे। मैंने इसकी जगह फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर किया था, वो भी चीज बर्स्ट, लेकिन उन्होंने नॉर्मल सा पिज्जा भेज दिया। मतलब चीज बर्स्ट के पैसे लेकर ये सिंपल पिज्जा भेजते हैं, चीटिंग करने लगे आजकल बहुत ज्यादा। एक बार कच्चा पिज्जा भेज दिया था जो बेक भी नहीं हुआ था, जैसे पूरा मैदा कच्चा था। एक बार मैंने नॉन वेज मंगवाया था तो वेज भेज दिया था। मतलब ऐसे करने लग गए हैं, चलो छोड़ो, लेकिन चैलेंज करना था। और रात में 11:30 बजे रिसीव हुआ, 10 बजे का ऑर्डर किया हुआ, तो क्या कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं 30 मिनट नहीं पहुंचाया तो फ्री होता, हमें पैसे नहीं देना चाहिए था वैसे, सही में मजाक नहीं। चलो छोड़ो, कोई बात ही नहीं फिर तो, लेकिन गलत बात है। चलो ठीक है, देर से पहुंचाइए वो कोई बात नहीं। ऊपर से जब रिसीव हुआ ना तो ठंडे थे, वही तो सोच लो। वही तो छोड़ो, इतना होने मुझे तो लग रहा किसी का बना हुआ होगा, वही हमें दे दिया। क्योंकि हमने तो फार्म हाउस ऑर्डर किए थे, छोड़ो इस बात को, मूड खराब हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज खाना, क्योंकि ये बाकी ये अच्छा होना हो, मतलब ये तो अच्छा है ही। तो खाना शुरू करते हैं ना, तो 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा तो है, लेकिन तुमने थोड़ा सा नमक ज्यादा कर दिया। वैसे अच्छा, वैसे टेस्टी है। आलू की वजह से ही होता है, मैंने इसमें नमक क्यों तेज किया ताकि बॉल में घुसेगा तो मेंटेनेंस हो जाएगा नमक। क्यों, क्या गया ही नहीं इसमें, गया ही नहीं, आलू नहीं होता तो एग्जॉब करता ना। तो आप अभी बॉल के साथ कर लो, खा लो, कवर हो जा रहा है। देखो मुझे प्याज बहुत तेज लगा हुआ था। मिट्टी टेस्टी।
इसमें थोड़ा सा नमक तेज है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नमक और ना तो ज्यादा चीनी या फिर ज्यादा नमक पता जितना मैं खाती उतना ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा तो मैं नहीं खा पाती नमक और चीनी दोनों की, इसलिए मंचूरियन जो है इसको फेंकूंगी नहीं, प्लेन चावल के साथ खाऊंगी, उसमें बिल्कुल भी नमक नहीं होता, फ्राई राइस में नमक था इसलिए दोनों को मिक्स करके और थोड़ा नमक तेज लगा है ना, लेकिन मैं इसका प्लेन चावल के साथ खाऊंगी ना तो मुझे नमक नहीं लगेगा, तो मैं इसको बाद में खाऊंगी। सब्जी रोटी बना के खा रहे हो मुझे ना चीज बर्स्ट पिज्जा ही पसंद है, नॉर्मल पिज्जा में नहीं खाती मुझे बिल्कुल ब्रेड और इस पिज्जा में कोई फर्क ही नहीं लगता, नॉर्मल में कुछ बिल्कुल ठंडा तो चीज बर्स्ट होता है थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है ना। कल फोन करूंगी लेकिन अभी तो रात के 12 बज गए थे तो मैंने नहीं किया, कल जरूर करूंगी डोमिनोज वाले को। जल्दी खा लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, भूखा तो मैं चक्कर ही है ना, एकदम से खाया तो जाए। आज तो हद हो गई, सब चाय पी के आई बंदा पूरे दिन, मुझे तो मैंने भी सुबह से चाय और रस खाए थे लेकिन शाम को जो मुझे ऐसी भूख लगी ना कि मैंने पेट भर के ही खा लिया बहुत से भूख लगा, तो मैंने पहले मंचूरियन के बॉल खाए क्योंकि बने हुए थे, फिर मैंने बाहर से कुरकुरे मूंग की दाल नवरत्न मिक्सचर और लाइट मिक्सचर सारी चीजें मंगाई, प्याज टमाटर सब कुछ काटा, फिर खाया और चाय किया, तब जाके थोड़ा आराम, लेकिन पेट फुल हो गया। हम ये इतना इतना खुश हैं ना, और इतना कल इतना ठीक है, खैर मैं इतनी मोटी हो रही ना, जो हमारे रिलेटिव है ना जो मतलब मेरे उम्र के हैं वो सब इतना मजाक उड़ाते हैं, मतलब मेरे भाई भाई भी सब ही, मेरी बहन और भी बहुत सारे रिलेटिव है वो सब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि इतनी मोटी हो गई, इतनी मोटी हो गई, और क्या करूँ मैंने चैलेंज स्टार्ट कर दिया तो मैं बीच में छोड़ भी नहीं सकती है ना। वेट तो मेरा भी बढ़ गया था बट मैंने अपना कंट्रोल कर लिया टाइम रहते ही, तो खैर फिलहाल मैं ठीक हूँ। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल डन, छोटा सा पिज्जा का स्लाइस है जो मेरी छोटी सी बेटी खा लेगी है ना, तो बस यही था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक करो प्लीज, अभी लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर दो जल्दी से, अभी कर दो नहीं तो भूल जाओगे है ना, तो कमेंट करके ये भी बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर करना वीडियो को जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फेसबुक ट्विटर जहाँ जहाँ आप एक्टिव हो वहाँ शेयर करना, और अपने फूडी फैमिली जो फूडी फैम है ना आपके, मतलब फूडी फैम फूडी फैम फूडी फ्रेंड है ना कुछ भी बोल रहे फूडी, जो जितने भी आपके फूडी फ्रेंड है ना उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना, और हम मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।